زندہ باد جنجن کے نیتا بیڑی اللہ نے پرساد دیا تھا زندہ باد اور ان کو کافی محنت کیا کافی اپنے پتا جی کے خلاف جو یہاں جٹے ہیں آپ سب لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی پرارتھنا کریں بہار کے پورو مکھیہ منتری اور غریبوں کے مسیحا کہے جانے والے لالو پرساد یادو اپنے پتر یعنی ڈپٹی سی ایم بہار کے تیجسوی یادو کے ساتھ پہنچے ہیں پورو ودھائک سندیش کے وجندر یادو اور ارون یادو کے پتا جی کے سرات کرم میں گاڑیوں کا قافلہ اور لوگوں کا جھٹان بھیڑ امن پڑی ہے لالو پرساد یادو کو دیکھنے کے لیے ایک جھلک پانے کے لیے اور دیکھیں کیا کچھ کہتے ہیں لالو پرساد یادو ایکسکلوسیو آسا ایک بھارت پر ساتھ ہی ساتھ تیجسوی یادو نے بھی کیا کچھ کہا ہے دیکھیں اس رپورٹ میں Thank you.
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आए हुए हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू और भोला बाबू भी आए हुए हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इनको ताली बजा करके स्वागत करें और अब आप लोग के बीच आदर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी अपने मुखारविंदों से आप लोग को संबोधित करेंगे। बिहार सरकार में ड्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी होकर के मैं काफी अपने को प्रभावित समझ रहा हूँ। उनके श्राद्ध का कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और उनके मूर्ति का लोकार्पण किया। सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, समस्त परिवार की तरफ से मैं किरण देवी को और उनको दोनों भाई को काफी और शुभकामना देता हूँ और सभी लोगों को पूरे क्षेत्र जिला भर के लोग उपस्थित हुए हैं। आप लोग मैं काफी शुभकामना देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको काफी मेहनत किया, काफी अपने पिताजी के राज में चचेरा भाई और ये सब लोग काफी मेहनत किए हैं, अपना फर्ज अदा किया कि होना चाहिए। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद होता हूँ। बिहार के नौजवानों के दिल के धड़कन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सभी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के सभी परिवार के हमारे साथीगण और आपके स्थानीय निवासीगण अखिलेश्वर जी के साथ आरम्भ में मूर्ति का अनावरण रखा गया था। इस सिलसिले में अपने पिता आरोग्य लालू जी के साथ यहाँ पहुंचे और ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान करे। तो ज्यादा शब्द ना बोलते हुए आप सब लोग जो यहाँ जुटे हैं, आप सब लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।
زندہ باد زندہ باد